जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मौजूद गांव में सुरक्षा बलों ने सोमवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बलों को इलाके में करीब 5 हथियारबंद संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। गांव में रहने वाले एक शख्स ने दावा किया कि एक टेररिस्ट उसके घर में आया और खाना मांगा। आपके घर कोई भाई है? हाँ, है मेरे पास जो है। मैंने जब मैं आखने लगी वहां तो ये अगर ना महा मिगी सुनाओगे काम में महा आखने लगे नहीं है, है तो उसे जोशी है महा खाना खा दे अंदर। मैं झूठी बोलनी है नहीं घर वहां ते इन्ने चिरे की फिर वो इतना आइए इतू बोल रहा है सानू भी खाना दियो अस मुसाफिर बंदे हैं। मैं आखन लगी तुस खाना मेरे को मंगना आए दुकान लागे महा तू हाँ समान लियो तो बनाओ तो खाओ महा। मैं सोचा महा कोई इतना कोई महा इलाके के लोग सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को यहां परमानेंट चेक पॉइंट बनाने चाहिए। तो हम डर गए हैं, बहुत डर गए हैं, हमारे को बहुत डर आता है, हमारे गांव के लोगों को बहुत डर आ रहा है। हम सरकार के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जुफाना गांव में एक आर्मी की चौकी और एक पुलिस की चौकी होनी चाहिए, क्योंकि ये रिमोट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, कोई रास्ता का साधन नहीं है। अभी आगे बरसात आने वाली है, जहाँ पर रूट है परमानेंट रूट है, ये आज का रूट नहीं है, ये 47 का रूट पड़ा हुआ है। 47 से जो मिलटन जब चलते हैं तब से चल रहे हैं। संदिग्ध आतंकियों का पता लगाने के लिए सेना, लोकल पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है।